मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। हमारे साथ हैं मिस्टर ताहिर, एडवोकेट हैं, और वसीम भाई हैं जो कश्मीर से आए हैं, और शरियार खान। तो पहला जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में मैं शरियार भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कहा गया है कि इसको पास करने में गवर्नमेंट की राय ली गई, तो वहाँ पर तो गवर्नर राज चल रहा है, तो ये कहाँ से लिया गया? पूरी साजिश थी। पहले सपोर्ट विड्रॉ किए, पीडीपी बीजेपी के कोलिशन गिरा दिए, फिर गवर्नर रूल इन्वोक किए सेक्शन 92 जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का। सिर्फ वही कर सकते हैं वो, दूसरे स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर 6 महीने के बाद वो तो अवॉइड होना, कैंसिल होना था। फिर प्रेजिडेंट टेकओवर, ये सब प्रेजिडेंट टेकओवर किया और प्रेजिडेंट रूल कर रहा था गवर्नर के तहत। और इनकी ये इन लोगों को मैं बोलता ना, पार्लियामेंट में एनलाइटेंड और एजुकेटेड एंड यू नो लीगली सैवी लोग नहीं है डिबेट करने के लिए। ये लोग गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर बना दिए, गवर्नर उसको ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस करने के लिए, ना वो पॉपुलरली इलेक्टेड है, उसको दे हैव डेजिग्नेटेड हिम एज यू नो द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड विथ हिज कंकरेंस यू नो दे हैव इश्यूड ऑब्लिगेटेड आर्टिकल 370। ये कैसा पास होता है? और दूसरी ये भी बात है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, विच वॉज अलाइव फ्रॉम 1952 1951 to 1957, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इजाजत दी थी 370 को ऑब्लिगेट करना या अमेंड करना किसी भी हिंदुस्तान के कानून को कश्मीर में लागू होना है, तो फाइनल रेटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी नहीं है तो कंप्लीटली इलीगल है। ये पूरा सत्यानाश करके, और जब कल ये अमित शाह बात कर रहा था, होम मिनिस्टर बोल रहा था कि पार्लियामेंट की इजाजत से प्रेसिडेंट प्रोक्लेमनेशन यूज करके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकते हैं, इमीडिएटली चिदम्बरम साहब बैठे थे वहां पे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। तो ये कैसा होता, कहाँ है 370 आर्टिकल 370 सब टाइटल 3 में है, इमीडिएटली उसको चौंक गया हो अमित शाह ने, कहता है कि नहीं नहीं, यू शुड रीड दिस इट आर्टिकल 371H जो आंध्र प्रदेश का है। ये क्या बात है, आप इतने मिलिट्री वहां भेज दिए, कम्युनिकेशन को पूरा इनकम्युनिकेट है पूरा। तो ये जो काम हुआ है ये लॉ के हिसाब से नहीं, बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटीज है, लीगल इन्फर्मिटीज है। वसीम भाई आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये बताता हूँ कि ये कश्मीरी लोगों पे चीटिंग हो गई। पहले हमको हर वाजपेयी जी भी बोले कि कश्मीरियत इज प्राइड, जो हमारा गरूर है कश्मीरियत, जो हम लोग हैं वो प्राइड हमसे छीना गया हमको पूछने के बगैर। हमको घरों में बंद किया है, हमको किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी, मैं तो बोलता हूँ आई वुड नॉट माइंड सेइंग दिस वर्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड खेला गया। एक बहुत बड़ी, जैसे शहरयार भाई, बहुत बड़ी साजिश, जो बहुत ही बड़ी साजिश थी। और ये एक पार्टी बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो के लिए, अपने वोट बैंक को, और मैं ये बहुत ही चीज़ पर उधर हिंदू वोट बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब किया। हमारे लोगों, हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, हमको उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। बहुत ही हम लोग, ये तो हम बोल, मैं ये बात फिर से बता रहा हूँ, इससे कश्मीर के हालात और बिगड़ेंगे। जो एक मॉडरेट कश्मीर है, कश्मीरी है, जो समझता है कि वी आर टाइड अप विद इंडिया, वो भी अब एक्सट्रीमिस्ट बन सकता है इससे, इस जुल्म से। ये तो दहशत है कश्मीरी के लिए, ये दहशत है बिल्कुल। इसमें आप कुछ लीगल पॉइंट, लीगली स्पीकिंग क्या है कि जो 370 तो टेम्पररी प्रोविजन था, उसे एब्रोगेट करना था, सबके कंसेंट करके करना था, डिस्कशन के साथ करना था। ये वो एक टेम्पररी प्रोविजन पार्ट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जमाने से है, वो इसे आज नहीं तो कल जाना था। इसका तरीका शायद गलत हो सकता है, मगर ये कभी भी एक परमानेंट प्रोविजन नहीं था आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 370, और आज नहीं तो कल जाना था, मगर वो निकालना था और सबके कंसेंट लेके, वैसा नहीं हुआ। मगर जो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व होती है, नहीं निकालने का तरीका क्या था? एक मिनट, ये इतना आसान से नहीं बोल सकते। टेम्पररी है, पार्ट 21 में है वो, टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल स्टेटस है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही हक था उसको एब्रोगेट करने का। दिस वाज एक्सेप्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, उसको कोई भी और नहीं कर सकता था। और मैं कल आपको बोला ना, आर्टिकल 370 एक टनल है जिससे मोस्ट ऑफ द 97 यूनियन लिस्ट के जो आइटम्स है उसे 94 लागू हो गए थे, 395 आर्टिकल्स में से 297 लागू हो गए हैं। इनको कोई मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बोल के है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज डिसॉल्व इटसेल्फ,
दिस इज ए परमानेंट फीचर, ये एक नहीं, पर रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट भी बोलकर इट्स अ परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के ये लोग करें, सो बिल्कुल फ्रॉड है ये, बिल्कुल फ्रॉड है ये कश्मीर का बिल्कुल अलग अलग हिस्सा है ये. दिस इज नॉट, दो इट इज अंडर द स्पेशल स्टेटस टेम्पररी के पार्ट 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 21 में है, तो नागालैंड मिजोरम किसका उससे बिल्कुल अलग है ये, बिकॉज इसके सरकमस्टेंसेस जिस कदर से कश्मीर इंडिया में जमा था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेजेशन जो साइन हुआ था ना उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस आर्टिकल 370 में इनकॉर्पोरेट करे थे. लेकिन कहीं ये लिखा है कंफर्म कि ये टेम्पररी है वर्ड? नहीं नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में है, हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर जैसे सरार साहब ने बताया कई बार सक्सेसिव हाई कोर्ट डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जस्ट उसके में टेम्पररी वर्ड यूज होने से टेम्पररी नहीं है वो, परमानेंट स्टेटस है, उसको अमेंड करने का वही प्रोसीजर होना चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बल्कि ये है. देखिए यूजली लीगली स्पीकिंग अगर किसी के स्टेट असेंबली अगर रिजॉल्व होती है तो जो उसकी लॉ मेकिंग पावर वो पार्लियामेंट में मर्ज हो जाती है, ठीक है, तो सेम क्लॉज को यूज करके ही इज ट्राइंग टू डू दैट. और ही डिड दैट आल्सो, अमित शाह ने सेम क्लॉज को यूज करके हमने कंकरेंस ले लिया पार्लियामेंट से, इसको हम लोग एवरोल. लेकिन पार्लियामेंट तो है ही नहीं ना, डिसॉल्व हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन. जब उधर वहां पे डिसॉल्व हुआ तो जब उसकी जो पावर लॉ मेकिंग पावर हमारे पार्लियामेंट में मर्ज हो जाती है. अच्छा, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द जम्मू कश्मीर, ये लाइक एक नॉर्मल स्टेज है. मगर ये कश्मीर में थोड़ा सा अलग है, कश्मीर में थोड़ा सा अलग है स्टेटस है. मगर आप अगर एक चीज और चीज देखेंगे तो देखिए, अगर कश्मीर में जो 370 जो हम लोग बोल रहे हैं या जो उसका स्टेटस था, जो उसकी प्रिविलेजेस थी 370 की वजह से, अगर उसको हम प्रिविलेज को हटा के अगर कश्मीर को देखेंगे तो यू नॉट फाइंड मेनी डिफरेंस. और वहाँ पे जो 370 को जो लोग एक्सप्लॉयट पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा करती थी, एक्सप्लॉयट पॉलिटिकल पार्टीज करती थी, जो उन्होंने अभी लोग जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ वहाँ पे ज़मीन खरीदने की वजह से लोग खुश हो जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोल के, नाउ इट्स बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द. ये सेम प्रोविजन सिक्किम में भी है, नागालैंड में भी है, तो वहाँ से भी वो निकालना चाहिए. तो जस्ट ओनली 370 निकालने से या एक दो चीज़ों को बदलने से वो पोजिशन चेंज है. बट सबसे जो इस पूरे इंसिडेंट में सबसे सॉरी पार्ट क्या है, एक तो जिस तरीके से इसको इम्पोज किया गया, लोगों को कैद में रखकर जिस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. ये डिस्कशन के साथ होना चाहिए, लोगों की सहमति के साथ होना चाहिए, ये करेक्ट है. दूसरा क्या है, जो स्टेटहुड जो उसको जो उसको रिपील किया स्टेटहुड का, वो एक बहुत बड़ा इशू है वो. क्योंकि अब ये इट इज़ रिड्यूस टू ए यूनियन टेरिटरी जिसके पास कोई पावर नहीं, इसके अगर स्टेट के पास पावर नहीं इन द सेंस मतलब वहाँ के लोगों के पास भी कोई पावर नहीं, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू बन सकता है. इनडायरेक्ट होता क्या वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स आप मालूम है, ही कैन ओवर रूल द चीफ मिनिस्टर, जैसे केजरीवाल की कहानी चल रही है ऐसे ही होगा. अब इनको शायद ऐसा लगा होगा, केजरीवाल देखिए अभी तक बोल रहे थे कि दिल्ली को अलग करो, हमको ये चाहिए, और इसमें सपोर्ट किए हैं. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दो दो फेस रहता है, आप सर पॉलिटिकल पार्टी का देखें तो ऐसे ही अब ऐसा हो गया ना. आप कांग्रेस एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो सारे इंडिया और इंडियन पब्लिक को गलत फहमी है कि 470 से शायद पंडित लोग आगे वापस आ जाएंगे, वो फिर भी आ जाते हैं क्योंकि वो कश्मीरी रेजिडेंट है, शायद उधर पीस बढ़ता. कश्मीर में ऑलरेडी एसफा है, आर्म्स एक्ट है, वेयर इन इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स टू डू एनीथिंग. देयर इज, इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज. तो वो लोग सब कुछ कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए. दूसरी बात हो गई जमीनें खरीदने की, जब हालात खराब होते हैं शायद आप नहीं जाएंगे कश्मीर में जमीन खरीदने के, और आप सॉफ्ट टारगेट बनोगे कॉमन आदमी की, जिसको लगता है कि उसको जुल्म करके ये एक्ट लाया गया. नंबर थ्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जिसको हम बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख को बना दिया यूनियन टेरिटरी, कश्मीर से अलग किया. ये चीज़ ही नहीं समझा कि लद्दाख और लेह बहुत बड़ी प्रोविंस है, उसमें लेह और कारगिल आता है जिसमें 52% प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम शिया पॉपुलेशन, हु डोंट दे डोंट वांट टू गो विथ लद्दाख. एक और उधर एंड खोल दिया, एक और लड़ाई का 48% बुद्धिस्ट है, उनका मान के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया. उधर आज उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, दैट वी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वी विल गो टू अनदर एक्सटेंट. हु वेर पीस लविंग पीपल एंड हु वेर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, अगेन उधर एक एक्सट्रीमिस्ट शायद ऐसा कुछ हो सकता है. चौथी बात ये हो गई कि अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है हु हैव प्लज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, who were the chief minister and who were part of this government, they should have been taken in confidence. They are arrested. They are the only connect. And humko, Kashmiriyon ko lagta tha, aur shayad ye sahi bhi tha, ki 370 is the only bridge between India and Kashmir. That is what Nehru said. That is what Sheikh Abdullah said. And if this bridge is cut, probably it will be
similar thing, Palestine and Israel, which they fight pitched battles. Yeah, so I will come on that point. कि शरीयत में एक चीज बताइए कि आर्टिकल 370 और 35 ए को निकाला गया बिना कश्मीरियों के कॉन्फिडेंस में लिया गया. ये उसी तरह लगता है जैसे कि इसराइल ने फिलिस्तीन के का जबरदस्ती जमीन को जो छीन लिया. इन दोनों में सिमिलरिटी क्या देखते हैं? मैं बोलूं ना आपको, सैक्स पिकॉट एक्ट हुआ जब इसराइल बना था, उसके बाद 1995 में जो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए क्लिंटन और इसराइल के बीच, तो क्या कितने लोग थे फरहान साहब सेटलमेंट्स में इसराइल पैलेस्टीन ऑक्यूपाइड कंट्री में जो इनके अनक्लेव्स थे इसराइल के? 100,000 लोग थे. अब 500,000 हैं, फेल हो गया. क्योंकि इफ़ यू डोंट टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी पॉलिटिकल सोल्यूशन. यहाँ पे यू हैव कन्फाइंड रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू देयर होम्स. यू हैव इम्प्रिजन्ड द पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स and you say that you have taken the concurrence of the state when the governor is your representative in the state. Governor is representing both the center and the state. How ridiculous it can be. How can you interpret the constitution to your convenience? Karna chahiye tha. Dekhiye, you had to do it now. You should have been not only do it, you should be seen to be doing it correctly. You should have allowed the election commission to hold elections there. Popular government jab aati hai, unke consent leke kal aap India ko kahin bhi is tarah se dismember kar sakte hai na. Abhi dekhiye, Nagaland, Mizoram, rescue ho gaye hain log. कि आप वहां करे हैं तो कोई चैलेंज करेगा कि डिस्क्रिमिनेटरी हो गया कि ये इनका निकाल दिए, हमारा स्पेशल स्टेटस रखे हैं. दे विल ऑल्सो देयर एक्चुअली टुडे इट इज इन द पेपर्स. सो आई थिंक दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव. जैसे मेरे भाई वसीम बोल रहे थे, 370 का कोई भी महत्व नहीं था. पंडित्स देर आर 4,000 to 5,000 कश्मीरी पंडित्स लिविंग देर. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, Sheikh Abdullah was a pandit who converted in 1766. Nehru was a pandit, and you know that entire Muslim population there is pandit ethnically, genetically. Only the religion is different. ये हुआ क्या 1990s में? ये जानते ना कुछ लोग, कुछ फनाट कश्मीर के ISI का प्रोपोगंडा था कि पंडित्स को मारो. बेचारे you know very peace loving people, very good people, very intelligent. 1587 में जब अकबर कॉन्कर किया था कश्मीर, उनकी इंटेलिजेंस को देख के उनका उनको एपिथेट है वो के पंडित बोल के. एंड देयर मेनी किंग्स एम्प्लॉयड देम बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस. तो वो नाम दिया था, वो 2100 के लोग है. उनको डरा के, धमका के, उनको औरतों को डरा के, कुछ लोग कश्मीरी सी द आम मुस्लिम कश्मीरीज दे लव पंडित्स. आई एम राइट? दे हैव नो प्रॉब्लम विद देम. यस, सम फनाटिक्स हैव डन इट. एंड द सॉल्यूशन व्हिच द ग्रेट जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हैज डन एज पर इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रॉमिस, it is such a travesty of constitution. Ke, you know, except maybe Asad Oasis saab and maybe enlightened people like Chidambaram and Tiwari, nobody even knows what 370 is. आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं. केजरीवाल, आई एम सॉरी, आई एम डिसअपॉइंट. अब हमारी पार्टी की भी पूछे ना, बीएसपी ने भी सपोर्ट किया. आई स्पोक टू सतीश मिश्रा आवर एमपी एंड आवर अशोक सिद्धार्थ और तोमर जो एमपीज हैं और एमएलसी हैं. मैं बोले ऐसा क्यों करें बोल. देन वन थिंग फ्लैश टू माई माइंड, 1957 में सफाई कर्मचारी SC ST को हजारों लोगों को लेकर गए. आपको मालूम है वसीम, ले जाके वहां पे उनको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस दिए ऑन द कंडीशन दैट वो वही रहेंगे स्कैवेंजर्स. 6 decades हो गए, आज भी स्कैवेंजर्स हैं वो. और दूसरा एक इनकी एक हियर से है, मैं अंबेडकर के जो भी जनता एनिलेशन ऑफ कैसो पढ़ा हूँ, उसमें कितने भी किताबें पढ़े हैं, मैं स्टूडेंट ऑफ अंबेडकर हूँ, कहीं भी अंबेडकर का ये नहीं है कि ये जो RSS के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ही रेफ्यूज टू ड्राफ्ट 370 एंड फाइनली वो गोपाल स्वामी अयंगार करे बोल के. नो, दिस ऐसा कहीं भी नहीं है. 1991 में ये लोग क्या किया, RSS की मौतवीज तरुण भारत बोल के उसमें एक आर्टिकल आया था विच वॉज ऑथर्ड बाई प्रचारक कॉल्ड बलराज मदोक. उसने लिखा कि attributing to Ambedkar, oral citation, ke Ambedkar refused to draft 370 because he blasted the Kashmiri saying that you want special status, you want India to build roads for you, you want India to do this for you, that for you, protect you, and you want a discriminatory status, you want a privileged status, we will not do it. Lekin Ambedkar ke bare mein ye hearsay hai, kisi kitab mein nahi hai. Main apne party se take up karu, abhi aapke jaane ke baad our MP has come, I am going to talk to him. ठीक है. तो अमित शाह ने कल राज्यसभा में कहा कि कल सुबह आप लोग जाके टीवी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैं हटा रहा हूँ 370, इससे कितने लोग खुश हैं.
तो अब बताता हूँ कि ये आरएसएस और बीजेपी ने काफ़ी दिनों से एक चीज़ बना के रखा था लोगों के बीच में कि देखो ये मेन जड़ जो है, जब तक जम्मू और कश्मीर पूरा नहीं हिंदुस्तान का होगा, जब तक हम आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे। मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके क्लियरली कहता है, कहीं भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सिटीजन्स बोल के कहीं भी नहीं है, ना सॉवरेन वर्ड है जो इंडियन के प्रीएम्बल में है, उनके प्रीएम्बल में नहीं है। मोस्ट ऑफ इट, उसका डेफिनेशन ये है प्रीएम्बल का कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनएक्टेड एंड इंस्टीट्यूटेड बाय व्हाटएवर टू डिफाइन फर्दर डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद द यूनियन ऑफ इंडिया। हम लोग भी कहते हैं दिल पे हाथ रख के कि कश्मीर इज अ इंटीग्रल इनएलिएबल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें हम डिस्प्यूट नहीं करते। जब आप नागालैंड वालों को आप स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उनके कस्टम्स नागालैंड में, जैसे हमारे ताहिर साहब बोल रहे थे कि ट्राइबल्स नॉन इंडिजिनियस पीपल, यू नो नॉन ट्राइबल्स कैन नेवर बाय लैंड देयर, एंड उनके अपने कानून चलते हैं वहां पे, यू नो इंडियन का उनका रिटवी सीजर नहीं चलता, इन सर्टेन एरियाज इफ यू हैड एंटर यू हैव टू टेक अ परमिट, डू यू नो दिस। तो ये सब चीजें करके आप क्यों कश्मीर को, यू वॉन्ट टू शो हिंदू ट्राइबलिज्म, दिस इज वॉट यू वॉन्टेड हिंदू, सी कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। जब पार्टीशन हुआ था प्राउडली नेहरू ने कहा था कि ये पार्टीशन जिन्ना को कम्युनल रहेगा, लेकिन ये सिंबल है कि कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, और कश्मीर के 90% ऑफ द लोग इंडिया के साथ थे, इसलिए कि स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट शेख अब्दुल्ला करके, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करके 90% ऑफ द पेजेंट्स, मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन वर गिवन लैंड, दे डिड नॉट वॉन्ट टू लीव अ सोशलिस्ट कंट्री लाइक इंडिया एंड गो टू पाकिस्तान विच इज अ कंट्री ऑफ जमींदार एंड जागीरदार। पब्लिसाइड होता तो धमे का दर से हम लोगों को सपोर्ट करते, ये तो ये माउंट बैटन की साजिश थी। और सरदार वल्लभ पटेल के बारे में मुझे बता रहे थे, इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, हाउ कैन अमित शाह, मैं उसके ऊपर, अमित शाह ने कहा कि हिस्ट्री के बारे में, मैं आपको किताब दिखाऊं, आप वीडियो देखिए, तो आप एक काम कीजिए ना, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको निकाल के फेंकने के लिए बोलिए, उन्हीं की किताब में है दिस इंडिया अंडर सीज, दो तीन किताबें उनके है कश्मीर बोल के है, उसमें ये क्लियरली स्टेट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज, सी विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सरदार वल्लभ पटेल, उस जमाने के टू कॉन्टेम्पराइज विद दोस टाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट सो वी कैन सिट ऑन एंड टॉक नाउ एज अ होम मिनिस्टर, मे बी ही थॉट कि जूनागढ़ हैदराबाद का ये मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम किंग्स हैं, यहाँ फसाद नहीं होना बोल के, यू नो ही मस्ट हैव सेड समथिंग लाइक दैट, बट माउंट बैटन वॉज वेरी कीन दैट कश्मीर शुड गो टू पाकिस्तान, उसलिए कहा होगा वो, आई मीन यू कैन नॉट टेक इट एज अ सॉलम क्या गॉस्पल ट्रूथ, या यू कैन नॉट रेडिक्यूल सरदार साहब फॉर दैट। सरदार साहब ने इज अ ग्रेट मैन, इज अ चैंपियन, जूनागढ़ हैदराबाद हमारे साथ है तो उनके पुलिस एक्शन की तरफ से है, मगर ये जो सैफ्रनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हिंदू रेडिकलाइजेशन करने की, ये भी कहा गया कि ये जो डिसीजन हुआ ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का था, इसमें पटेल साहब का कोई हाथ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को इल्जाम देना झूठ बोलना है, प्रीडोमिनेंट रोल था पटेल साहब का, हाँ प्रीडोमिनेंट रोल था उनका, जवाहरलाल नेहरू साहब दोनों साथ मिलकर किए थे, उनका रोल ज्यादा, क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल प्रीडोमिनेंट रोल, क्योंकि अमित शाह ने ऐसा कहा कि देखो जहाँ पे पटेल साहब ने हैदराबाद और जूनागढ़ का किया वहाँ पे बहुत आसानी से हो गया, और जहाँ पे नेहरू वांटेड अ पब्लिसाइड, क्यों जानते हैं आप, क्योंकि इंडियन आर्मी ऑलरेडी वहाँ पे थी, मुजफ्फरबाद की इनको खड़ा अफरीदी से मैसूद ट्राइब्स जो पाकिस्तान भेजी थी उनके मिलिट्री, उनको वहाँ रोक देते हम लोग, वो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन किया, हमारी प्लेन उतरी डीसी समथिंग 147 उतरी, इनको रोक देते, कश्मीरी लोग फॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान में, am I right? Yes, and Mr. Sherwani साहब इज अ मार्टर, ही किल्ड ही डाइड इन द बैटल, कश्मीर वॉज टोटली टुवर्ड्स इंडिया, तो जब तक आर्मी पहुंचने से पहले वहां के लोग ने फाइट किया था, मुजफ्फरबाद के शहीद हो गए, हजारों के लोग शहीद हो गए, हजारों टू फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दे डिडंट वांट बिकॉज शेख अब्दुल्ला वॉज द पॉपुलर लीडर, he was called the lion of Kashmir and that lion was with India, it was the Kabali war, Kabalis were initially stopped by Kashmiris bare handed peasants and all everybody, yes. they were stopped Kashmiris, तो कहीं का नहीं ये लगता है कि हम लोग जो ओरिजिनलिटी देता हूं, मैं एक क्लैरिफिकेशन नेहरू के बारे में क्लियर करना चाहता हूं, मैं नेहरू साहब इतना जो बोले प्लेबिसाइट नहीं बोले, वो टर्म यू नो व्हाट ही सेड वाज कि हर कहीं भी 565 प्रिंसली स्टेट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, महाराजा जाना चाहता है, आवाम नहीं जाना चाहे, तो द कंसेंट ऑफ द पीपल विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, यस जूनागढ़ एंड हैदराबाद में वही हुआ, तो कश्मीर में भी इसे शेख अब्दुल्ला का यह दावा था कि ये जानते हैं ना, ये हरी सिंह कौन था आप जानते हैं ना, डोगरा था, डोगरा राजपूत था,
he had betrayed Ranjit Singh's army after the death of Ranjit Singh in, I think, 1839. He had betrayed the Sikhs and joined the Britons against the War of Independence. Usko 75 lakhs ko, you know, gift de diye, Britishers, Kashmir, take it, bolke. To Sheikh saab bole, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का वक्त शेख साहब बोले कि हम इसके पास आप क्यों साइन करा रहे हैं, ये तो हम लोगों को खरीदा है 75 लाख में, इट्स एन इंसल्ट, लेट द पीपल डिसाइड. तो नेहरू अग्रीड, बट बिकॉज ऑफ द अटैक फ्रॉम पाकिस्तान दिस हैड टू बी द आईओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हैड टू बी प्रेसिपिटसली साइन, इट वॉज साइन. इसलिए उसके बाद साइन होने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होने के बाद, हमें पीपल का कंसेंट लेते हैं बोल के बोले थे और हो भी जाता था, बट फॉर यू नो मिसमैनेजमेंट ऑफ कश्मीर आफ्टर दैट. तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर बीजेपी ने ये लोगों के दिमाग में बात डालने के लिए बहुत सक्सेसफुल हो गई कि देखो जब तक हम 370 नहीं हटाते हैं कश्मीर पूरा हमारा हिस्सा नहीं होगा, उसी तरह से जो कश्मीर के पॉलिटिकल लोग थे ये कहीं ना कहीं फेल हुए हैं अपनी हिस्ट्री को आवाम के पास लाने के लिए और समझाने में. अब बोलिए. आई टोटली एग्री, टोटली. जो भी कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, वो बिल्कुल आवाम के सामने ये बात नहीं ला पाए. आवाम बिल्कुल खुश नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स से, बिल्कुल खुश नहीं थे. लेकिन वो खाली वही एक रिप्रेजेंटेशन, वो उनका फेलियर बहुत बड़ा फेलियर है. आप जिस महबूबा मुफ्ती को उनके जेल में 3 साल इन्होंने हुकूमत उसके साथ मिलके चलाई है, महबूबा मुफ्ती इज़ ए बेसिकली ए सेपरेटिस्ट लीडर व्हेन शी इज़ इन अपोजिशन. शी वो सोच के जुल्म होता है, बहुत जुल्म है कश्मीर में. कश्मीर को आज बोले कि अलग ही होना चाहिए ये जो किया, लेकिन जब वो पावर में थी इनका स्ट्रेंथ था, देन दे शुड कम, दे शुड हैव कम फॉरवर्ड, देन एब्रोगेटेड, देन शी वाज अ पॉपुलर लीडर, शी इज स्टिल अ पॉपुलर लीडर. आई कंप्लीटली एग्री. आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं जो जितने भी लीडर रहे अभी तक, तीन फैमिली ने वहां पे राज किया. हिपोक्रेसी देखिए आप जी. Waseem has brought up a very, very relevant point. Jab, when you're in collision with the BJP, why didn't you invoke this abrogation? Aap ye nahi kyun kare ke aap collision mein the na? To aap why didn't you convince the chief minister to, you know, give her concurrence for the abrogation? Kyunki she was not ready, na? No, support mein nahi. This is then, then what is that, then, yeah. there is a common minimum program. There is a common. Ye aap jo bol rahe hain ki dekhiye BJP ki jo पब्लिसिटी मशीनरी है, जो उनका सोशल नेटवर्क है, द वे दे हैव द चैनल्स एंड ऑल दैट, ऑल ऑफ अस नो इट इज़ वेरी वेल ऑयल्ड एंड वेल ग्रीस्ड. वो लोगों के दिमाग में जिनको 370 मालूम ही नहीं है, ये डाल दिए कि अब हमारा कश्मीर हो गया, अब आप रोज़ जाओ, घूमने जाओ काबल पार्क जैसे. उनके दिमाग में ये, हालांकि उनको ये नहीं समझ आया कि पॉपुलरली दे आर पुटिंग मोर लाइफ इन डेंजर. आई वॉज इन कश्मीर 2 weeks back. एकदम से सब फर्स्ट क्लास था, टूरिज्म पीक में था, लोग बिजनेस कर रहे थे, यात्रा चल रही. मैं बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर की, पूरे 99% यात्री थे, 2-3 कश्मीरी थे हम श्रीनगर. इतना अच्छा माहौल था. आप सोचिए कि अब तक आर्मी के साथ पॉलिटिक्स कभी नहीं हुई है इंडिया में. इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि हमको यात्रियों को निकालना है, ठीक है, हो सकता है. फिर बोला इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है उनको, बिहारी लेबररों को, आज तक कभी उन पे कभी कुछ नहीं हुआ, यात्रा में भी कुछ नहीं हुआ. दे ब्लफ्ड द होल सिचुएशन, ब्लफ करके सारा कश्मीर को खाली करके. Till last night, governor said, no, there is nothing happening on 370. He gave assurance to everybody. Probably they did not even tell him who they say हाँ, हो सकता है. who say we have the permission from. इतना बड़ा bluff खेलते हैं, इतना बड़ा मतलब army को politics में involve करके ये सब कर दिया. और कश्मीरी लोगों को कैद में रखा, अभी भी कैद में. और देर आर कैजुअलिटीज इन साउथ कश्मीर बाय द वे, इट्स नॉट कमिंग इन. ऑलरेडी 2 people हैव डाइड इन कश्मीर, इट्स कंफर्म्ड, एंड 4 हैव इंजर्ड. देर हैज बीन फायरिंग इन साउथ कश्मीर, पीपल हैव ट्राइड टू प्रोटेस्ट एंड दे हैव बीन फायर्ड अपॉन बिकॉज एवरीथिंग इज डिसकनेक्टेड. तो अभी तो कुछ न्यूज मिलेगा नहीं. हाँ, थोड़ा सा कहीं ऐसे वैसे से हमको वो हॉस्पिटल जहाँ लिए थे उधर कुछ कनेक्शन हो, कुछ भी लैंडलाइन भी नहीं है, फोन भी नहीं. इनका सबसे बड़ा फेलियर मुझे लगता है कश्मीर के लीडर्स का, कि पंडित जब बेचारे पंडित्स को जब भगाया गया, ये फैनाटिक्स जो पाकिस्तानी बैक फैनाटिक्स है, जो वो भाग के आ गए 4 लाख या 8 लाख पता नहीं कितने लोग, इनको ये रिहैबिलिटेट नहीं कर सके फरहान साहब. ये कांग्रेस गवर्नमेंट और इनके मुफ्तीज एंड उमर अब्दुल्ला, ये एज मच एज दिस इज अ ड्रैकोनियन एंड यू नो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, इन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया है कि उनको रिहैब. पन्नून कश्मीर का आप जानते हैं ना, वो
fighting for the rights of Pandits. Unka ye demand tha ki this one some part of the Kashmir, that is I think northeast of Jhelum River, humko designate karke de do, let it be UT, let Indian constitution apply there. And you know, it should be designated as UT where, you know, Pandits will be rehabilitated. Am I right? Yeah, Farooq Abdullah in fact tried to do that. The government in the center said no, they should not have been a settlement for them, let them go back. Main ek important cheez batana chahta hu, shayad Sharyar bhaiya ko malum hoga. Besides this thing, governor that time played a similar role. Jagmohan. He made sure that he gave buses and he gave vehicles to. There was a threat. No doubt there was a threat. But threat was not of this level. He said, I will crack down and I will finish. But he took Pandits out of Kashmir. And they gave the logistic support. You should go through my frozen turbulence in Kashmir by Jagmohan. How he played. He mismanaged. He took all the Pandits. He thought 10-15 days, I will finish everything and I will get them. He cracked down on Kashmiris. There was clamp down like this. But generally, they could not come back. You see, wo darad reh gaya. Kyunki hamare bhai log hamare saath nahi the. But we openly want them but to there come is an back. Act there, jo unke aasti ki ghar chhod ke aaya na, there is an act to protect the property. It is, I think, JKIMI Act. Yeah. That nobody can enclose that property. Yes, properties are there, yes. Temples are there, there everything is present. And the people who have stayed back, they are prosperous. Mm-hmm. Yeah? Yes, they are very prosperous. Fine. They are prosperous. Recently, one Pandit family came back. In fact, one of the separatist leaders inaugurated his old shop and he is doing brisk. Tahir sahab, wahan ka ek Sufi history hai, aap tajub karenge. Lalashri. Haan, Lalashri. Haan. She was a Hindu who suckled a Sufi saint, Muslim Sufi saint. Can you believe it? It has such rich history of coming. Things cannot happen in other part of India. She is called Lal there. Her poetry you should read, and she wrote about the king who was kidnapped by Akbar and who was killed because they could not invade it directly. And we have hundreds of examples of brotherhood. Amarnath Yatra itself is the biggest example. Yeah. We still continue without any hashar. Hum log idhar bhi. Lekin isme ek cheez puchunga. Abhi jo World Cup hua, to wahan se ek video aaye. Aur wahan ka koi local cable channel wala hi record karke bheja tha. कि जब इंडिया वर्ल्ड कप में हार गया तो उस वक्त वहाँ पे कोई चौक के ऊपर आतिशबाजी हुई लोगों मैं कश्मीर में था मैं कश्मीर में था हाँ, तो वो कहाँ तक सच है हो गया होगा सर इफ यू सपोर्ट क्रिकेट दैट डजंट मीन दैट यू सपोर्ट नहीं बट वो लोग वहाँ पे नारे भी लगाए थे कि जिंदाबाद पाकिस्तान करके अब तो ये ऐसे ऐसे जो चीजें होते हैं कश्मीरीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान ये एलिमेंट हर जगह रहते हैं वो मैं आपको एक चीज बताता हूं क्लियरली बताता हूं और लाउडली बताता हूं ऑन चैनल कश्मीरीज डोंट वांट पाकिस्तान कश्मीरीज नो हमारी बर्बादी का मेन वजह क्या है हां मगर अगर आप और जख्मों पे और नींबू डालेंगे फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा अभी देयर इज एन इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर आउट देयर इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर वेल रेड प्राइम मिनिस्टर who can probably exploit such situation in Kashmir. Kashmir is in a very fragile state now. Abhi jis state mein chhod diya. Aisa kiya ki humko Dhaka dal diya. Raat aur raat humko Dhaka dal. Bole tum union territory ho, tum state nahi. Jo hamare bhai hai, Kargili bhai, jo hamare pe jeete hai, unko alag kar diya. Bola tumhara koi government nahi hai. Aur sabko qaid kar diya. It is monarchy. Is nahin, a main ye bolna ki, dekhi, sir, kingdom mein bhi aisa nahi hota. Iraq aur Iran mein, banana jo Syria mein, aisa nahi hota. Worse than a banana. Ab ek PR status mein, Tahir sahab, ji. Wo permanent resident ka jo chakkar tha, ke ek Kashmiri ladki bahar wale ko shaadi kar li, to she will lose her status. Wo bhi NL ho gaya tha. Sir, main aur ek cheez batana chahta hu. Kashmiris are well read. They are not poor people. They are not poor. Biharis live on Kashmir. They do labor. ये जो कल से चल रहा कि employment होगा हमारा sentiment employment नहीं है Please आप समझें हमारा sentiment is we need bomb. We don't need employment. Yes. We are well off people. We work all over the world. We are well read. We have second highest per capita income in India. आप check करो please see the stats. Okay. So don't tell us that we want to give you employment. We are businessmen and we will strive ये, hard. ये लोग ये जो बात आपने कहा इसके ऊपर अमित शाह ने कहा कि ये जो हम राज से हटा के यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं इसका रीजन एक और है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है ठीक है जब क्या? इस भ्रष्टाचार करप्शन करप्शन बहुत है तो इसको खत्म किया जा सकता तो है कर्नाटक में भी है अब बात यह है कि अगर यही मुद्दा है
तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, यूपी में कर दो, उससे ज्यादा कत्लेआम लिंचिंग कहाँ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि आप इससे बोल रहे हैं कि नौकरी ज्यादा आ जाएंगी, फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे राज्य में और बहुत सारे स्टेट में अभी फैक्ट्री बंद हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्री नहीं आ सकते। ताहिर साहब बैठे हैं, इज अ लॉयर, एनजीटी है ना ताहिर साहब, एनजीटी है, वो सब परमिशन देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट देने की, गवर्नमेंट की लाइन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो सकता था। कश्मीर में कोई भी इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकती, जो इंडस्ट्री प्रॉस्पर टूरिज्म व्हीकल, देयर इज अ वेरी हार्श क्लाइमेट, 7 months it's extreme cold, so and we have an problem of energy, whatever energy we produce in Kashmir it goes to Punjab and Delhi, unfortunately. That's one more thing. I had a personal discussion on this with Mr. Devigoda. He said no, we are paying you for that. We don't have electricity there. There is still hum log itne aage 8-8 ghante current nahi hota winters mein. So unfortunately industry sustenance as per the industry experts is not there, all the industry has flopped there miserably, whether it is silk industry, joinery industry, only the carpet weaving industry and the shawl industry and tourism harsh, very very harsh. कश्मीरी जो लोग हैं वहाँ पे उनको क्या चाहिए, उनका क्या इशू क्या है, हार्ड कोर इशू क्या है? पहला अमन चाहिए सर, हमको ये जो आर्मी वाला घर से एयरपोर्ट तक 40 जगह फ्रिस्क करता है, वी आर वेल रेड पीपल, है आ जाओ गाड़ी से उतर, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हु वर्क ऑल ओवर, वी आर इंसल्टेड एंड ऑफेंडेड ऑन द रोड एवरी टाइम बाय इंडियन आर्मी, वी आर फ्रिस्क, यू कम टू कश्मीर एंड यू सी हाउ डिफिकल्ट इट इज गो टू, they lose their self respect, the self respect every time, and we are just alienated. और आज का प्रोसेस हमको घर में बांध रखा, मेरे वालिद साहब बुजुर्ग आदमी, आई डोंट नो, उनको दूध तो मिला ही नहीं होगा 3 दिन से, आई एम नॉट एबल टू स्पीक टू माई ब्रदर इज बेस्ड इन यूएस, ही सेज ये हुआ नहीं ताहिर साहब, मुझे एक बात बोलिए, इतना मिलिट्री डाल के ये लोग, हाउ कैन दे कॉल इट विल ऑफ द पीपल, ताहिर साहब बोलिए, सी दिस ऑल थिंग्स, इट मींस इफ यू डिस्ट्रॉय देयर विल बी वायलेंस, यस, सी दिस ऑल, व्हाई डिड ऑल दिस डू ऑल दिस थिंग, जस्ट टू इंपोज फॉर सर्टेन थिंग्स, इफ सपोज इट इज विल ऑफ द पीपल, देयर इज, इट डजंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स, if it is the will of the people, why military? Haan, correct. Why incommunicate? Union territory delimitation. Delimitation means they will give more seats to Jammu. Jammu, or they try to capture in that way. No, and they will have a Hindu CM, which has never happened. Yes, and they will have power center as Jammu. Earlier also, it is a Hindu agenda. State election होने से पहले delimitation की बात चली थी. There was talk कि अगर delimitation will be based on population, तो in that case Jammu will be having more seats. ये था वो, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी उनके प्रोटेक्शन है कि अगर कोई भी यहाँ पर होगा तो सिर्फ मेजोरिटी सीट विल बी फ्रॉम द पार्ट ऑफ कश्मीर, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये सब 370 को अभी जो एज ऑफ नाउ किया है, मगर स्टिल आई बिलीव यू कैन नॉट ड्रॉ पैरेलल बिटवीन फिलिस्तीन एंड कश्मीर, सर मैं शुड नॉट ड्रॉ पैरेलल बिकॉज़ सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, मैं इनसे मे बी यू हैव अ राइट टू डिफर, मैं क्या बता रहा हूं, मैं जिस हिसाब से इन्होंने ये किया, एक मिनट वसीम, आप ऐसे सब मुझे बोले, आई वांट टू नो व्हाई यू कैन नॉट ड्रॉ पैरेलल बिटवीन द फिलिस्तीन एंड कश्मीर, टू एस्पेक्ट इज देयर, इफ यू मे बी सेइंग कश्मीर इज ऑल ओवर इंडिया, there may be some instances when they were been targeted, but you'll find most of the Kashmiris in all over India, rest of other part of India, they always been respected, there is all, they enjoy all the rights what every other Indian citizens play, the same thing is not happening with the Palestinians, no Palestinians, yes, are all over Israel by the way, that is the same thing may not be happening, they may not be having the same respect, they may not be having the same respect, first thing, second thing kya hai, dekho Kashmir ka jo issue hai na, ek political issue hai, aur every political party try to exploit this, और जब पॉलिटिकल कोई इशू जब एक्सप्लॉइट होता है तो जो पीपल विल है ना, इट ऑलवेज इन अ बैक सीट, अगर इसको हम लोग पॉलिटिक्स से हटके, कांग्रेस, बीजेपी, संघ परिवार या एक आम जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स से हटके ट्राई टू सॉल्व इट ना, दिट इज वेरी इजी, नहीं आप जो कश्मीरी जो कश्मीरी लोग निकल के दूसरे जगह एंजॉय कर रहे हैं उसकी बात नहीं, नहीं, नहीं उसके लिए भी एंजॉय, मैं क्या बता, लेकिन बात यह है कि जो एक्शन आपने लिया है इट इज सिमिलर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ऐसे पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के हालात इतने खराब है, एक्चुअली कश्मीर के हालात उतने खराब नहीं है, और कश्मीरी लोग किसी भी हालत में इंडिया के खिलाफ नहीं है, किसी भी पॉइंट में नहीं है, लोग बोलते हैं लाल चौक पर झंडा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चैलेंजमेंट है, वो होता है, अगर ऐसा अगर होता तो कश्मीर इतना तक साल तक रहता ही नहीं था, प्रैक्टिकल चीज है, जो लोगों का जो प्रसेप्शन क्रिएट किया जाता है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, कुछ चीज को जीतने के लिए, हारने के लिए, अपनी बात बनाने के लिए प्रसेप्शन, एक फॉल्स प्रसेप्शन क्रिएट करते, एक स्मोक वॉल क्रिएट करती,
उसके बेसिस में काम, आज वो हर एक चीज़ में होता है। आप चाहिए तो आज बाबरी मस्जिद के इशू में भी जो हो रहा है वही स्मोक वॉल क्रिएट की गई है, कश्मीर के इशू में स्मोक वॉल क्रिएट की गई है, तलाक के इशू में स्मोक वॉल क्रिएट की गई है। तलाक का जब इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया नल एंड वॉइड है तो उसके बारे में क्या है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपना ध्यान को बटाने के लिए, अब जो मेन इशू आज इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है, वो सबको छोड़ के क्या जरूरी है पार्लियामेंट को 370 छः महीने बाद भी हो सकता था, एक साल भी हो सकता था, दो साल के बाद भी हो सकता था। नहीं, मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा था कि ये देखिए ऐसा है कि आर्थिक स्थिति जो है हिंदुस्तान का बड़ा बुरा हाल है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरी ख़त्म हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा इतना बड़ा कॉफ़ी का बंदा जो था सिद्धार्थ अपने को मार गया, और तो इस सब को फोकस नहीं करके हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जिसका इम्पोर्टेंस नहीं। वो पाई मिस्टर पाई जो और किजम मुजम ने भी वॉइस किया है ना, वो लोग तो बीजेपी सपोर्टर, जोन सपोर्टर, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को टैक्स टेररिज्म हो गया, हम लोगों को धमकिया रहे हैं बोल के। ये जो इसराइल का ताहिर साहब बोल रहे थे ये भी एक ये एक कोल्ड वॉर टाइम का उस वक्त का एक ये था कि एक ऑयल को लूटने के लिए सऊदी को, हमारे गल्फ के लोग मालूम आपको आयाश, इनको कंट्रोल के लिए दे वांटेड अ स्ट्रांग थिंग इसराइल, सो दैट इसराइल वाज प्लांटेड, इट वाज अ मैंडेट ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट एंड स्लोली इट हैपेंड, इट्स एवरीथिंग। Even Osama bin Laden was not communal, he was also political. Nothing was communal, you know, religions are used. ये कश्मीर का मुझे अच्छा बड़ा अच्छा दिखता था, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो करके, सेम टाइम अगर स्पेशल स्टेटस दूसरे स्टेट्स का भी निकाल देते थे तो हम लोगों को, अब देखिए जो लीगली जो स्पीकिंग, अब सेम थिंग्स विल बी डिस्कस इन द हाई सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर गोइंग टू प्लेस द सेम थिंग। If you wanted to remove the special status to Kashmir, better to remove the special status, all make it equal. नहीं, अब ये मैं पूछ रहा हूँ देखिए लीगल पॉइंट से कि अभी देखिए आज डेफिनेटली राज्यसभा से तो निकलेगा, लोकसभा से भी निकल जाएगा, शाम तक वोटिंग होगी क्योंकि नंबर उनके ज़्यादा पास हो जाएगा और राष्ट्रपति भी उनके वो साइन कर देंगे, ठीक है। बाय द टाइम आप जो भी होगा वो जाके फाइल करेगा कोर्ट में, फाइल हो चुका है लेकिन, और सुप्रीम कोर्ट में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसने उसके पहले अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कश्मीर में कोई एक्शन लेना वो तो ले पाएगी। By the time you fight, it is implemented. The moment they pass the already order, implementation. The governor rule tha like immediate effect. Which it is already implemented. One another way it was implemented. It is one another way it is implemented. Earlier also so they court में लड़ते रहो जितने दिन लड़ना है लेकिन उनको जो काम करना है वो करेंगे। मगर मुझे क्या लग रहा है सबसे ज्यादा जो legal में जो result निकलेगा 370 तो may not restore. Very frank, may not restore. उसको supreme court में जाओगे तो may not restore. But जो statehood है it will be restored. और चांसेस आर देयर जो यूनियन टेरिटरी के दोनों यूनियन टेरिटरी में कैंसिल अगर द ओरिजिनल स्टेट रूट स्टेट हुड ही अनाउंस्ड इट टुडे दैट वी विल रिस्टोर द स्टेट इवेंचुअली ही मे हैव सेड दैट बट लीगली बोल रहा हूं मैं इतना हो सकता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वी आर द लार्जेस्ट बट ताहिर साहब विल नॉट द प्रोसीजर यू नो इनफॉर्मिटी और the way the procedure has been shortened will don't you think supreme court will supreme court certainly should look into each and every aspect certainly supreme court can do this but see that I'm telling you about in the basis of my prevailing conditions I'm not I'm not telling you but prevailing conditions are like that nahi main samajh gaya aap kya bol rahe hain but main aapko ye puchunga will supreme court go against its own decision the previous ones where it said it's a permanent feature nahi 370 wo interpretation gives the earlier decision on based on interpretation See, one thing is, it was interpreted at that point of time. For that particular case, it was interpreted, it is not a term. But now, abhi se temporary bolke, tab, abhi bhi jo reject kiya, abhi this parliament has all the amendment power. Amendment. By using that power also, they would have amended. Supreme Court will say so. Supreme Court, at the most, Supreme Court, what they will do is, they will cancel the concept of both the union territories. They will restore the statehood. And the delimitation process, what they want, they will install that delimitation process. That the maximum Supreme Court will do it. तो अब जो दावा है बीजेपी का कि ये 370 हटाने से कश्मीर नॉर्मल हो जाएगा, रियली वसीम भाई आपको लगता है ग्राउंड में नॉर्मल हो जाएगा? अभी तो बेटर सिचुएशन होगा, बहुत एबनॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होता तो ऐसे बांध नहीं रखते लोगों को, दे नो के बैकलैश एक्सोमेटिक होगा, बैकफायर होगा। मगर एक और चीज़ है, 370 से देखो, 370 से कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ग्राउंड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। नॉर्मल जो जैसे वसीम ने बताया वहाँ पे जो मिलिटराइजेशन कम होगा, अफसा हटेगा, वही इट विल टेक इट टू द नॉर्मल सी। सर हम आप एक चीज नहीं समझ रहे यहाँ पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम सब लोग मिस, मैंने पहले बताया कश्मीरियों को ये बताया कि आपकी कश्मीरियत हमने प्रिजर्व की है,
यहाँ पे शराब खाने नहीं खुलेंगे, आप प्लीज अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पे बड़े बड़े बार्स, बड़े बड़े सिनेमाज नहीं खुलेंगे. जो कश्मीरियत है, कश्मीरी ब्यूटी है, इट विल बी प्रिजर्व, दैट इज वैल्यूज और कल्चर विल बी प्रिजर्व. नाउ दे किल्ड इट, ओके. अब समझे, हमारे से हमारा प्राइड लिया गया, तो वी फील बैड. और उस हिसाब से लिया, व्हेन वी से कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक बादशाह ने जैसे एक चीज कहा, बांध करो सबको और रोल करो. आर वी कॉलिंग डेमोक्रेसी? सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी भी इनकी, टैक्स भी इनका, प्रेसिडेंट भी इनका, होम मिनिस्टर भी इनका, प्राइम मिनिस्टर भी इनका, मिलिट्री भी इनकी, एंड देन दे इम्पोज. यू आर एलिनेटिंग अस मोर, हमको ज्यादा दूर कर. पूरे फंडामेंटल राइट्स, GST, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, ऑल इंडिया सर्विसेज, पूरे अप्लाई हो गए थे कश्मीर में. सब 370 का सिग्निफिकेंस बहुत कम था, सब कुछ सब सिंबॉलिक रह गया था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज. तो वहां पे लीकर मिलता था कश्मीर में? नहीं, लीगली नहीं मिलता है, आर्मी वार्मी के लिए. वी डोंट हैव लेकर सप्लाई. एंड ललित का होटल का 5-star है वहाँ पे. होटल जो लोगों को बिजनेस करना है वो लोग सब बिजनेस करते हैं. पंजाबी बिजनेसमैन, देयर आर होलसेलर, सब लोग बिजनेस. ऑफिशियली नहीं था लेकिन ऑफिशियली अवेलेबल. ललित ने बहुत अच्छी तरीके से लीज में जमीन ले ली, एंड देयर आर लीज तो कर सकते हो. वी हैव लूपहोल्स इन आवर करेक्ट. मतलब ये बोलना कि इसके वजह से आप वहाँ नहीं जा रहे थे, ये भी गलत है. बिल्कुल, क्योंकि ललित ने किया ना. बिल्कुल झूठ. कश्मीर में एक जगह है जिसको बिहारी चौक बोलते हैं, जिधर 3 to 3.5 lakh बिहारी रहते हैं. अच्छा. By the way, I want to give city के अंदर 3.5 lakh they live. बिहारी लेबर थ्राइव ऑन कश्मीर. कश्मीर में जो सारा कंस्ट्रक्शन बिहार और हिस्सा और यूपी करता है, क्योंकि कश्मीरी लेबर बहुत है, वो बहुत महंगा है. वो बिहारी लेबर बहुत सस्ता है और अवेलेबल है, ठेकेदार है, उधर घर बना है, उधर रहते हैं बिहारी लोग. नहीं नहीं, वो सब जो मिसकंसेप्शन है ये, और वो और आमतौर पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, दिखता कुछ और. बहुत सारी चीजें मालूम नहीं रहती, इसके लिए लोग इंपॉर्टेंट आते हैं. कश्मीरी लोग इलिटरेट नहीं है, कश्मीरी लोग अनपढ़ नहीं है. दे आर वेल, दे नो. ये नहीं है कि कोई भी उनको कुछ भी बोले, अच्छा आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको जॉब मिलेंगी. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव अ बैंक कॉल्ड जम्मू कश्मीर बैंक. इट इज इन बैंगलोर. वी हैव 8-9 ब्रांचेस इन बैंगलोर, एंड इट्स वन ऑफ द very very nice banks in country. They are trying to control it. First time they took one DK Chibar and they made him chairman, who is some of their finance guys, and they want to control it, and they are saying that they will make it State Bank of India again. That is one more issue they are trying, and they can do that also. ठीक है, नया प्रोपेगेंडा करें ना, पाकिस्तान के लोग सिटीजन बन सकते हैं मुल्क के. बोल के वो 40,000 तक वोट बैंक, दैट इज वेरी रॉन्ग. 40,000 दे विल गिव होता नहीं. वो वसीम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक आर्टिकल 370 को मिसकोट करते हुए मैं सुना कल कि पाकिस्तानी कैन मैरी ए कश्मीरी गर्ल एंड ही विल बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया. लीगल पोजीशन क्या है? कोई भी अगर कोई भी लड़की किसी भी नेशनल से शादी करे तो वो उसको वो बन सकता है, वो ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सीओपी स्टेटस को. माय नीस वाज बोर्न इन यूएस, ओके, बाय द वे शी वाज बोर्न इन यूएस, शी प्रोबेबली बिकेम यूएस सिटीजन. We got an order, we got her a state subject, and she is now entitled from High Court. Officially. Lekin agar koi PO se aata hai, sawali paida nahi hota. Nahi, 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 Indian citizenship was extended to everybody in Jammu and Kashmir. Am I right? Yes. They are citizens of India, residents of Jammu and Kashmir. ये क्या इसके बारे में जब मैं तहकीक कर रहा हूँ, ये जो कश्मीर के जो उस तरफ है, देखिए पाकिस्तान के साइड, वो लोग आ जाते हैं, उनके नानी माँ चाचा मामू यहाँ रहते हैं ना, because they are still new. तो वो क्या करता है, ही मैरिज अ कश्मीरी गर्ल, ओके, यू नो इज नो यू कैन फाइंड आउट ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और दिस साइड ऑफ कश्मीर और दैट साइड ऑफ कश्मीर, कुछ पता नहीं चला, ही बिकम्स अ पीआर ऑटोमेटिकली, ही इज एंटाइटल्ड टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. इवन दो ओसीआई किसी भी नेशनल को अगर कोई भी इंडियन से लड़की शादी तो ओसीआई मिल सकता है, इंडिया मिलता है उसमें, वो सेम उसको ऑलमोस्ट इक्वल राइट है, एक्सेप्ट वोटिंग का राइट छोड़कर उसको पूरे राइट्स हैं. तो अब लास्ट में खत्म करने से पहले ताहिर भाई आपसे क्लोज करता हूँ, बाद में सभी से करता हूँ, कि अब इसका असर आपको क्या लगता है, ग्राउंड पे क्या होगा? देखिए, मेयर को जो लगता है, जो मेरे लीगल अंडरस्टैंडिंग से लगता है कि इसमें जो असर ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा खराब होगा, लोग बहुत ज़्यादा इसको रिएक्ट करेंगे. आज कितने दिन तक कैद रखेंगे लोगों को, थोड़े दिन बाद तो निकलना पड़ेगा, उसके बाद लोग इसको रिएक्ट करेंगे. इनिशियली बहुत इसका बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्ट्रांग रिएक्शन आएगा, मगर मैं समझता हूँ अगर जुडिशरी उसको अच्छे ढंग से हैंडल करे
और बहुत सारे जो इनकी जैसे बताया कश्मीरियत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अगर आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा रिस्टोर कर दे और एक लीगली कंसीडर एक लिमिटेशन डाल दे, तो हो सकता है ये पूरा गुस्से को दब जाए। और एक मिसकंसेप्शन जो ऑल ओवर इंडिया में था, ये 370 हटने से एटलीस्ट एक हो गया, वो मिसकंसेप्शन खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग यही बोल इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आज कश्मीर हमारा हो गया, कश्मीर पहले भी थे हिंदुस्तान ही था, कहीं दूसरे का था, फ्यूचर अभी हिंदुस्तान का रहेगा, कहीं कोई जाने वाला नहीं है कश्मीर। वो एक इंडिया का मैप है, ऊपर सैफरन, सैफरन क्यों, वही सैफरन, इट वाज ऑलवेज आवर्स, कल बनाओ, यही मैं बोलता ना, हम क्यों बोल रहे हैं दूसरे का था, हमारा ही था, जिंगोइज्म छोड़ना चाहिए ये लोग, ये सब ना एक अपनी एक लॉबी रहती है सिस्टम के, खुश करने के लिए करते हैं। क्या बोलेंगे वसीम भाई, मैं कल एक डिबेट में था, उन्हें बड़े बड़े एक्स ब्रिगेडर थे, वो इतनी बकवास बोल रहे थे, आप कश्मीर में पंडित लोग रह सकते हैं, वो तो पहले भी रह सकते थे। मैं तो इतना बताता हूँ, कोई भी लॉ, कोई भी रूल जुल्म और तशद्दुद से लागू नहीं करना चाहिए, वो लागू नहीं होता है। और एक जो सच्चा मुसलमान है उस पर कोई भी रूल आप ऐसे मत करो लागू जो उसको ये नहीं है, वो स्वीकार नहीं है, अदरवाइज ही इज़ रेडी, उसको समझा बुझा के एक सिस्टम में बिठा के उसको करो। ये जो सारा कुछ हो गया, बिल्कुल मैं बोलता हूँ बनाना रिपब्लिक, एक छोटे से एक किंग जो होता है ना, इवन सऊदी अरेबियन किंग जिसको फुल पावर से, वो भी नहीं करता है ऐसे किया है। मैं एक चीज़ लास्ट पे पूछूँ, अगर जो ये तीन जनरेशन, तीन फैमिली जो राज कर रही थी कश्मीर में, इनको अगर हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वहाँ के आवाम से बात करे, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? नहीं, मैं शेख अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीर बनाने में, कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने में। अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो शायद कश्मीर इंडिया के साथ नहीं होता। शेख अब्दुल्ला का रोल था, फारूक अब्दुल्ला एक मल्टी कलर पर्सनैलिटी है जो हिंदुओं में भी मिक्स होते हैं, डांस भी करते हैं, एंड ही इज़ वेरी सेकुलर एंड वेरी ओपन, पीपल एक्सेप्ट हिम, ही इज़ अ प्रेजेंट एमपी आल्सो। और महबूबा मुफ्ती हैज़ एन हिस्ट्री, शी इज़ डॉटर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दे सेक्रीफाइज देयर डॉटर व्हेन शी वॉज किडनैप्ड। तो इन लोगों का रोल है, दे करप्ट भी है, अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं, लेकिन लोकल्स को आप कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर आप ये तो इनको लेके चलना पड़ेगा। वो मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं, उनके उनका भी एक वर्ड रहता है, उनकी एक वॉइस रहती है। आपने जैसे महबूबा मुफ्ती का बात किया, तो कल बीबीसी ने उसके बेटी को कहीं से कॉल करके पूछा कि अभी कहाँ है आपकी मदर, तो उन्होंने कहा कि कल तक तो हमारे साथ थे, अभी उनको अरेस्ट करके लेके गए हैं, कहीं पर रखे हैं। और मैंने बोले कि मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने जाने नहीं दिया, और हमको पता नहीं है कि उनको किस कंडीशन में रखें, हमको डर भी लग रहा है। अभी यही होगा, इस 375 के निकालने के बाद कश्मीर विल बिकम अ इंटरनेशनल इशू, यूएन विल टेक इट अप, पाकिस्तान विल क्रिएट अ हिप, यूएन कराए, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, तालिबान इज गोइंग टू कम टू पावर देयर, देयर इज एन टैसिट अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी क्लियर, दिस विल बी लिवरेज्ड to, you know, to create disorder, mayhem, murder, and I hope that doesn't happen. मुझे नहीं लगता कि जरूरी था, they have opened a Pandora's box now. खैर अब जो भी हुआ, लेकिन अब उसको बहुत ही हिकमत के साथ, बहुत ही समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। और इसमें इस वक्त में जुडिशरी का जो रोल है बहुत क्रूशियल है, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरप्रेट, पूरे वर्ल्ड की नगाहें उनके ऊपर रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ दे रिजॉल्व द एड्रेस द एंटायर इशू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लीगली क्या वो उसमें करेक्शन हुई है सबको मालूम है, लीगली क्या क्या उन्होंने प्रोसीजर को लैप्स किया सबको मालूम है, अब हाउ द कोर्ट विल हियर इट एंड हाउ कोर्ट विल गिव ओपिनियन अबाउट ऑल दिस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम सोचते हैं सर, वोट बैंक के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया है, ये हमारा मानना है। मुझे लगता है कि दिस इज एन असर्शन ऑफ मेजॉरिटी नेशनलिज्म। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए, और मैं अपने व्यूअर से बोलूंगा कि आर्टिकल 370 और 35A के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।